बंदूक और फौज के बल पर कभी देश की यूनिटी नहीं बन सकती है। देश की यूनिटी बनती है संवैधानिक एकता और दिलों को जोड़कर। जो हमारे साथियों ने कहा, पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया, हम यहाँ आए हैं डिमांड करने के लिए उनको रिहा करो। उन पॉलिटिकल लीडर्स में भूतपूर्व मुख्यमंत्रियां हैं, ऑल द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, एंड अमंग देम इज आवर कॉमरेड यूसुफ तारेगामी, फोर टाइम एमएलए, सिक्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उनकी परिवार की छह सदस्य आतंकवादियों के हमले से शहीद हुए। और आज यूसुफ तारेगामी को बंद करके कहते हो कि कश्मीर और देश की एकता बनेगी। ऐसे नहीं बनती है मोदी जी, ऐसे नहीं बनता है अमित शाह। ये लोग हैं जो हिंदुस्तान की एकता के लिए कश्मीर की कश्मीरियत को फंडामेंटलिज्म के खिलाफ एकजुट किया है। और आज इसलिए हम कहते हैं दैट अरेस्टिंग द पॉलिटिकल सेक्युलर लीडर्स ऑफ कश्मीर, यू आर कमिटिंग एन एंटी नेशनल एक्ट, एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स वी डिमांड देयर इमीडिएट रिलीज। आई वांट टू शेयर विद यू सम ऑफ द स्टोरीज अबाउट वुमेन इन कश्मीर। वी आर डिमांडिंग नॉर्मलसी। Shivaji, he raised the slogan, normalcy in Kashmir. What does it mean? Today, women who are sick, who are pregnant, who want to go to the hospital, they are not allowed to because curfew passes are not available. For medical emergencies, it is extremely difficult. They say, Kashmir is normal. We know. You answer, you are parents. Will you ever send your children to school? Where at every single corner, there are armed people with guns standing there. No, we cannot ever accept this as normalcy. Therefore, we believe this is not democracy only for Kashmir. This is a struggle for democracy all over India. ये हिंदुस्तान का संघर्ष है, ये कश्मीर का संघर्ष नहीं है। इसलिए जगह जगह पर हम इस प्रकार की संघर्ष की आवाज उठाकर हम डिमांड करते हैं। हिंदुस्तान की जनता डिमांड करती है, जवान बचाओ, तमाम राजनीतिक नेताओं को कश्मीर में रिहा करो, सामान्य स्थिति बनाओ। और इस एकता के आधार पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे इस डेमोक्रेसी के सवाल पर, पॉलिटिकल लीडर्स की रिहा के सवाल पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले दिनों में ये आवाज और भी बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।